हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तराखंड में प्रचलित प्रमुख पारंपरिक आभूषणों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। किसी भी पहाड़ी महिला का श्रृंगार गहनों के बिना अधूरा माना जाता है। पहाड़ों में एक विवाहित महिला के श्रृंगार में आभूषणों का बहुत अधिक महत्व होता है। उनके श्रृंगार में आभूषणों का अपना ही एक विशिष्ट स्थान होता है, जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। उत्तराखंड में कई तरह के पारंपरिक आभूषण प्रचलित हैं और पहाड़ी महिलाएं अपने इन सारे आभूषणों को शादी ब्याह, नामकरण संस्कार व अन्य मांगलिक कार्यक्रमों पर पहनना पसंद करती हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं सिर पर पहने जाने वाले पहाड़ी आभूषण। सिर पर पहने जाने वाले जो प्रमुख पारंपरिक आभूषण हैं, उनमें शीश फूल, मांग टीका, वाड़ी, बेनी फूल आते हैं। तो शीश फूल जो है, उसे महिलाएं अपने जूड़े में पहनती हैं। वहीं मांग टीका, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, मांग में जो है पहना जाता है। ज़्यादातर इस तरह के जो आभूषण हैं, वे किसी त्यौहार या शादी या फिर किसी अन्य मंगल कार्य में जो है पहने जाते हैं। और मांग टीके की तरह ही एक और जेवर भी होता है, जिसे वाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब आपको बताते हैं कानों में पहने जाने वाले आभूषण। तो कानों में पहने जाने वाले जो प्रमुख पारंपरिक आभूषण हैं, उनमें आपके हैं मूर्खली, कर्णफूल, तुगियल, बाली, कुंडल, बुजनी, मुनड़, झुमुक, लटकन, मुरकी या टॉप्स। मूर्खली जो होता है, इसे मुंदड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये चांदी की बालियां होती हैं, जिन्हें पहाड़ी महिलाएं कानों के ऊपरी हिस्से में पहनती हैं। वहीं जो बाली होती हैं, वो सोने के बने हुए कुंडल होते हैं। और जो बुजनी है, वो पुरुषों के द्वारा कानों में पहने जाने वाले कुंडल होते हैं। वहीं कर्णफूल जो होती हैं, वो झुमकी का ही एक रूप होता है, और झुमकी भी पहाड़ी महिलाओं का एक बेहद पारंपरिक आभूषण है। और कर्णफूल जो है, झुमकी का ही एक रूप है, और इसके बीच में जो है छोटे छोटे नग लगे होते हैं। अब आपको बताते हैं नाक में पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में। तो नाक में पहने जाने वाले जो पारंपरिक पहाड़ी आभूषण हैं, उनमें प्रमुख होते हैं फूली, नथ, नथुली, बुलाक, फुलकी, लौंग, बीरा या बिट। नथ या नथुली जो होती है, वो उत्तराखंड की जो पहाड़ी महिलाएँ होती हैं, उनको एक विशिष्ट पहचान दिलाती है। और नथ को जो है सुहाग का प्रतीक माना जाता है, तो इसे विवाहित महिलाएं पहनती हैं। और विवाहित महिलाओं का श्रृंगार नथ के बिना अधूरा माना जाता है। नथ को नथुली के नाम से भी जाना जाता है, और उत्तराखंड के गढ़वाल और जो कुमाऊं एरिया की महिलाएं हैं, उनके द्वारा पहने जाने वाले प्रमुख आभूषणों में से ये एक है। इस जो ये आभूषण है, यानी जो नथ है, उसमें कीमती मणिक और मोतियों से उसको सजाया होता है। और उत्तराखंड में अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से इसमें जो डिज़ाइन है इसका, वो बदलता चला जाता है। डिज़ाइन और साइज़ अलग अलग तरह का होता है। तो इसकी जो शैली होती है, वो काफ़ी सुंदर होती है। और नवविवाहितों के लिए नथ का जो है ना, एक बेहद अलग स्थान होता है। और ऐसी मान्यता थी पहले कि जो परिवार जितना ज़्यादा संपन्न होता था, वहाँ नथ उतनी ही बड़ी और भारी होती थी। लेकिन आज के जो बदलते दौर है, उसमें युवतियों की पसंद जो है बदल चुकी है, और अब भारी और बड़ी नथ के बजाय वे थोड़ा हल्की और स्टाइलिश नथ जो है पहनना पसंद करती हैं। इसके बाद एक दूसरा जो आभूषण है नाक में पहने जाने वाला, वो है बुलाक। तो ये ज़्यादातर जो गढ़वाल की महिलाएं हैं, वो बुलाक को पहनती हैं। बुलाक नाक के ठीक बीच में पहना जाता है, और इसे अपनी जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार छोटा या लंबा बनवाया जाता है। पहले के ज़माने में कुछ बुलाक तो इतनी लंबी होती थी कि वो ठुड्डी से भी नीचे भी पहुँच जाती थी। और बुलाक को बेसर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है फुली। तो फुली या लौंग, एक ही बात है, नाक में पहने जाने वाली जो होती है, वो हमारी फुली या लौंग कहलाती है, जिसे आमतौर पर महिलाएं जो हैं घर पर हमेशा पहनती हैं। अब नथ जो होती है, वो इतनी भारी और बड़ी होती है कि उसको हमेशा पहनना जो है मुश्किल होता है। तो उसी का एक विकल्प फुली या लौंग होती है, और इसे जो है महिलाएं काफ़ी आसानी से पहन लेती हैं, और ये हल्की होने के साथ ही आकार में भी छोटी होती हैं।
अब आती है बात गले में पहने जाने वाले पहाड़ी आभूषणों की। तो गले में पहने जाने वाले जो पारंपरिक पहाड़ी आभूषण हैं वो हैं तिलहरी, चंद्रहार, लॉकेट, हंसुला, सूत, गुलबंद, चरयू, और आपका मटर माला हो गया, रुपे माला, चवन्नी माला, अठन्नी माला, सतलड़ी, जंजीर, झुपिया, मोहन माला, कंठी, मूंग माला, जंजीर, चूंच, पौला। तो इस तरह से जो है नाम बढ़ते चले जाते हैं। इतने सारे आभूषण जो हैं वो गले में पहाड़ी महिलाओं के द्वारा जो है पहने जाते हैं। मतलब पहले जो है इतने सारे जो ये आभूषण थे वो बनवाए जाते थे। आज के टाइम में इनमें से कई सारे आभूषण जो हैं वो अब प्रचलन में नहीं हैं। अब गले में पहने जाने वाला जो आभूषण ग्लोबंद है ना, वो काफ़ी मतलब आजकल जो है प्रचलन में है। तो इसे गुलबंद, ग्लोबंद या गुलुबंद के नाम से जो है लोग बुलाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सोने की डिजाइनदार टिकियां होती है ना, उनको कपड़े के एक पतले से गद्देदार पट्टे पे सिलकर तैयार कर लिया जाता है। और ज्यादातर जो कपड़ा होता है वो लाल या मैरून रंग का, जो वेलवेट का कपड़ा होता है उसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और ग्लोबन जो है वो आपको गढ़वाली, कुमाऊनी, भोटिया और जौनसार एरिया की जो विवाहित महिलाएं हैं वो पहनते हुए दिख जाएंगी। और पहले के ज़माने में ये होता था कि जब मंगनी की जाती थी यानी जब सगाई की जाती थी, तो उसी टाइम जो है ग्लोबन जो है लड़की को पहना दिया जाता था। इस तरह का प्रचलन था उस टाइम पे। और ग्लोबन में जो है ना, एक जैसे चोकर होता है, चोकर की तरह जो है गर्दन के चारों ओर जो है इसको पहना जाता है। और उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनके बीच में ये पारंपरिक आभूषण आज भी काफ़ी लोकप्रिय है और ये विवाहित महिलाओं की विशेष पहचान मानी जाती है। इसके बाद बात करते हैं हंसुली की। तो चांदी का बना हुआ जो ये जेवर होता है वो काफ़ी वजन वाला होता है और इसे प्राचीन टाइम में ज़्यादा पहना जाता था। आज जो है ये कम ही देखने को मिलता है। महिलाओं के अलावा ये छोटे बच्चों के लिए भी बनवाया जाता है, लेकिन उसका वजन जो है वो थोड़ा कम होता है। और हंसुली को खगवाली नाम से भी जाना जाता है, विशेषकर गढ़वाल के एरिया में इसे खगवाली के नाम से जाना जाता है। इसे भी ज़्यादातर जो है पारिवारिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें लोग पहनना पसंद करते थे। आज तो जो है इसका जो चलन है वो काफ़ी कम हो चुका है। और वैसे ये ज़्यादातर चांदी का बनवाया जाता था, लेकिन आज के दौर में जो है कुछ लोग इसे सोने का बनाना भी पसंद करते हैं। एक तरह से ये कठोर हार के जैसा होता है, जो किनारों से तो पतला होता है लेकिन बीच में थोड़ा ये मोटा होता है। और पहले के ज़माने में जो है जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे घर के, वो इसे बच्चे के जन्म के टाइम पर जो है नामकरण के टाइम पर बच्चे को दिया करते थे। तो ये एक तरह से प्रेम का प्रतीक जो है इसे माना जाता था। लेकिन जो बच्चों को पहनाए जाने वाला जो हसूली होता है उसका वजन काफ़ी कम होता था और ज़्यादातर ये बच्चों के जन्म के समय उसके बच्चे के दादा दादी या नाना नानी के द्वारा जो है दिया जाता था। इनका वजन कम होने के साथ साथ ही इनमें घुंघरू भी जो है लगे होते थे। वहीं जो प्राचीन समय में जो विवाहित महिलाएं इसे अपने गले में पहनती थी, उनका वजन थोड़ा ज्यादा होता था, लगभग 3 तोला तक का जो है उनका वजन होता था। अब आता है एक और पारंपरिक आभूषण, चरेउ, जो मंगलसूत्र का ही एक विकल्प है और इसे भी सुहागिन महिला का जो है, सुहागिन महिला अपने गले में काले मनकों की जो है माला पहनती है और इन्हीं माला के बीच में, मतलब जो है काले मनकों की माला होती है उसी में चांदी या सोना लगाकर जो है मंगलसूत्र भी तैयार किया जाता है। तो इसे चरेउ भी कहा जाता है। और विवाहित स्त्री की जो पहचान होती है वो उसके गले में चरेउ पहनने से होती है। तिमाणिया जो है वो सोने के 3 मनकों से बना हुआ गले का एक आभूषण है। कंधे पर पहने जाने वाले जो पारंपरिक आभूषण हैं वो है आपके स्यूण सांगल। तो इसे स्यूण, स्यूणा या सांगल जो है वो कंधे पर लगाया जाता है और एक जैसे सेफ्टी पिन होती है ना, उसी के जैसा जो है ये होता है। हाथ में पहने जाने वाले आभूषण की अगर हम बात करें तो उसमें आपके प्रमुख हैं पोंजी या पोंची जिसे कहते हैं, कड़ा, अंगूठी, गोखले, धागुली, धागुल, ठोके, चूड़ी, कंगन, मुनड़ी। तो पोंची जो होती हैं या जो पूंजी होती हैं वो कलाई में पहनी जाती हैं, जैसे कंगन होते हैं उसी तरह की होती है और उसमें सोने या चांदी के दाने लगे होते हैं। ये भी ग्लोबन की तरह जो है कपड़े की पट्टी पर जो है जड़कर तैयार किया जाता है और लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है इसमें सोने या चांदी के दाने जो है लगाते हैं। एक होता है मुंदड़ी, जिसे मुद्रिका या अंगूठी भी आप कह सकते हैं या गुंठी के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है।
धागुली या जो धागुले होते हैं वो छोटे बच्चों के हाथ में पहनाए जाते हैं, चांदी के कड़े होते हैं और इनमें भी जो है घुंघरू लगे होते हैं। अब बाजू पर भी एक पारंपरिक पहाड़ी आभूषण जो है पहना जाता है, वो है गोखले। तो पहले मतलब इस तरह का प्रचलन था, बाजू पे भी आभूषण जो है महिलाएं पहना करती थी और उसे गोखले के नाम से जो है जाना जाता था। इसके बाद बात आती है कमर पर पहने जाने वाले पारंपरिक आभूषणों की। तो इसमें आपके प्रमुख होते हैं तगड़ी, कमरबंद, लटकन, अतरदान, सूडी, कमरजौड़ी। तो तगड़ी की अगर हम बात करें तो चांदी से बना हुआ ये एक आभूषण होता है जिसे पहाड़ी महिलाएं जो हैं वो बेल्ट की तरह कमर पर पहना करती थी। और पहले के ज़माने में पहाड़ी महिलाएं हमेशा इसे पहन के रखती थी क्योंकि ऐसा मानते थे वो कि लगातार काम जब करते रहेंगे तो इसे पहनकर रखने से जो है कमर में दर्द नहीं होता था। इसको करधनी या कमरबंद के नाम से भी जाना जाता था तगड़ी को। और ये सोने चांदी का बना होता था, मतलब कोई लोग इसे सोने का भी बनाते थे, वैसे ज़्यादातर ये चांदी का ही हुआ करता था। पाँव में पहनने वाले जो आभूषण हैं वो उसमें आते हैं आपका चैन पट्टी, इमरती, बिच्छू, पाइजेब, अमृति, गिनाल आदि। और इसके अलावा आपके झिंगोर हो गए, झांझर हो गए, पोटा हो गए, ये सब भी पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। पायल तो चांदी की बनी होती हैं और अलग अलग एरिया के हिसाब से इनका साइज और इनका जो नाम है वो बदल जाता है। और जो पोटा है उसके जैसे गहने अब प्रचलन में नहीं रहे हैं। और बिछुए जो होते हैं वो पैरों की उंगलियों में पहनाए जाते हैं और चांदी के बने होते हैं, इनको भी जो है सौभाग्य का एक प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा ये उत्तराखंड के जो पारंपरिक आभूषण हैं उनके बारे में। तो आज उत्तराखंड के जो पारंपरिक आभूषण हैं उनमें से कई सारे आभूषण तो ऐसे हैं जो आज पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। खुद हमने भी इनमें से कई तरह के ऐसे आभूषण होंगे जो देखे भी नहीं होंगे आज तक। तो सिर्फ कुछ बुजुर्ग महिलाओं के पास जो है ये अब देखने को मिलते हैं। आज फैशन के दौर में लोग धीरे धीरे अपने सारे जो पारंपरिक आभूषण हैं उनका लगभग त्याग सा कर चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड के जितने भी पारंपरिक आभूषण हैं ना वो अपने आप में बहुत विशिष्ट हैं और उत्तराखंड की संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए एक विशेष भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो अपने रीति रिवाज हैं या जो अपनी संस्कृति हैं उसे ना भूलें और उनके अस्तित्व को खतरे में हम ना डालें। अपनी संस्कृति को जीवंत बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी ही है और अगर इसमें हम छोटा सा योगदान भी देते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर हम सभी लोग जो है अपनी संस्कृति को बचाए रखने का प्रयास जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो ये संस्कृति है वो हमेशा जीवंत रहेगी और आने वाली पीढ़ी को भी हम अपनी जो महान संस्कृति है इससे अवगत करा पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि उत्तराखंड के जो पारंपरिक पहाड़ी आभूषण हैं उन पर बेस्ड था। तो इसी तरह आगे भी नई नई रोचक जानकारियां पाते रहने के लिए हमारे चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।